कांतली नदी, कांतली नदी, कांतली नदी। आइए दोस्तों कांतली नदी की बात कर लेते हैं, इसका उद्गम स्थान कहाँ से है। दोस्तों इसका उद्गम स्थान है हम तुम्हारे खंडेला की पहाड़िया सीकर से, सीकर की खंडेला की पहाड़िया, सीकर सीकर की खंडेला की पहाड़िया, खंडेला की पहाड़िया, सीकर की खंडेला की पहाड़ी से तुम्हारा इसका उद्गम स्थान है। इसके बाद में सीकर खंडेला की पहाड़ी से थोड़ा सा आगे चलती है और उसके ऊपर एक सभ्यता बसी हुई है दोस्तों, वो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। सीकर में इसमें थोड़ा सा आगे चलने पर इसके ऊपर एक सभ्यता बसी हुई है सीकर के अंदर ही, वो है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। इसके बाद में ये नदी सीकर के बाद में ये नदी झुंझुनू को सीधा बीच में से काटती है और आगे तक चली जाती है, और झुंझुनू में इसके ऊपर एक और सभ्यता बसी हुई है, वो है सीआर सभ्यता। झुंझुनू में इस पर बसी हुई है, वो है सीआर सभ्यता, सीआर सभ्यता। और झुंझुनू के लास्ट तक जाते जाते ये नदी लगभग समाप्त हो जाती है। इसलिए दोस्तों इस नदी की जो उद्गम स्थान है खंडेला की पहाड़िया वहां से लगाकर, और इसके जो एंड तक जो ये झुंझुनू तक इसकी जो महज दूरी है वो है लगभग 100 किलोमीटर। इसलिए इसे राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। तो दोस्तों आपसे ऐसा पूछ ले कि ऐसी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी बताइए जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, तो दोस्तों वो है आपके कांतली नदी। तो आइए